विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर दिखाया भारत का जलवा। भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर बोले जयशंकर, कहा हमारे लिए नहीं बल्कि यूएन के लिए भी नहीं है अच्छा। दोस्तों, आज भारत को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदला हुआ है। पूरा विश्व ही जानता है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। भारत की इस शक्ति को देखते हुए आज उसके साथ बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। इसके साथ ही आज के वक्त में भारत जिस तरह से दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उससे कोई भी देश अनजान नहीं है। इसके बाद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल नहीं हो पा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आम सभा का 77वां सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थानीय सीट की दावेदारी का समर्थन किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के बयान कई देशों से लगभग हर बार सुनने को आते हैं। इसके बाद भी भारत को आज तक इसका स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सका है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने भी माना है कि भारत का वैश्विक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन अब इसे लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कह दिया है कि इससे पूरा विश्व हिल गया। भारत का यह बयान पूरी दुनिया को टेंशन दे रहा है। वहीं यूएनएससी के सदस्य ये सोच रहे हैं कि क्या भारत की स्थायी सदस्यता में देरी कहीं उन्हें भारी तो नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण होता है। आखिर जयशंकर के बयान के पीछे क्या छुपा है, क्यों जयशंकर ने ऐसा कहा और क्यों भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की पूरी कहानी क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च डिफेंस बॉडी कही जाती है। संयुक्त राष्ट्र की तरह इसकी स्थापना द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। कोल्ड वार के कारण काफी समय तक सुरक्षा परिषद कमजोर रहा था, लेकिन कांगो वार और कोरिया युद्ध के समय इसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई देशों में जरूरत के मुताबिक शांति मिशन भी भेजे गए थे। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। इसके स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। इसके स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर मौजूद है। वीटो पावर से वे किसी भी प्रस्ताव या फैसले पर रोक लगवा सकते हैं। यह काउंसिल दुनिया की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसला लेती है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। फिलहाल भारत इसका अस्थायी सदस्य है, लेकिन अब यूएनएससी के स्थायी सदस्य चाहते हैं कि भारत इसका स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन भारत को अभी तक इसकी स्थायी सदस्यता हासिल नहीं हो सकी है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 9 साल बाद भारत को ये मौका फिर हासिल हुआ है। इससे पहले भारत को 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और फिर 2011 से 2012 में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। अब भारत की अस्थायी सदस्यता साल 2022 के नवंबर तक रहेगी। भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस वैश्विक निकाय के लिए भी सही नहीं है। जयशंकर ने कहा कि कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे देश का अहम वैश्विक परिषदों का हिस्सा न होना जाहिर तौर पर न केवल हमारे लिए बल्कि वैश्विक परिषद के लिए भी अच्छा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का एक मजबूत दावेदार है। भारत में न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति संपन्न प्रौद्योगिकी केंद्र और वैश्विक संपर्क की परंपरा वाला देश है।
इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव ओवरड्यू है। 80 साल पहले द्वितीय युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक संस्था के रूप में तैयार किया गया था। 80 साल पहले लोगों द्वारा बनाई गई संस्था किसी भी मानक से बहुत समय पहले है, लेकिन उस अवधि में स्वतंत्र देशों की संख्या अब चौगुनी हो गई है। दुनिया के बड़े हिस्से ऐसे हैं जो छूट गए हैं। ऐसे में ये बदलाव बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं होने के दो बड़े कारण हैं। इसकी पहली बड़ी वजह है चीन, तो दूसरी वजह है सीटों में बदलाव के लिए यूएन चार्टर में संशोधन। चीन भारत की इस दावेदारी में ये कहकर वीटो का इस्तेमाल करता आया है कि अगर भारत इसका दावेदार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान को ही क्यों पीछे छोड़ा जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चीन यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी में रोड़ा बना हुआ है, कभी उसको इस परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज चीनी ड्रैगन ही भारत के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है और वो चाहता है कि भारत की जगह पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बने ताकि भारत की बढ़ती हुई शक्ति को कम किया जा सके। ये बात कड़वी ही सही लेकिन सच्ची है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इसका जिक्र अपनी एक किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में किया है। उन्होंने लिखा है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यूएन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की थी। वर्ष 1949 में यूएन ने चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता देने से इनकार कर दिया था। 1950 में भारत चीन की इस पक्ष में वकालत करने वाला सबसे बड़ा समर्थक था। बीजेपी की सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसको लेकर एक ट्वीट 14 मार्च 2019 को किया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर और चीन को लेकर लगातार एक ही इंसान ने बड़ी गलतियां की थी। उन्होंने यहां तक लिखा था कि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भी इस बात का समर्थन किया था कि चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन के साथ ही नाइंसाफी होगी। जेटली ने इस दौरान पंडित नेहरू के अगस्त 1955 में लिखे पत्र का हवाला दिया था। अब वही चीन भारत का पत्ता साफ करने में लगा है। वहीं यूएनएससी में भारत की तरफ से कई बार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों व आतंकियों के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं। इन प्रस्तावों को हर बार चीन की तरफ से वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक दिया गया है। इनमें से कई प्रस्ताव अन्य स्थायी सदस्यों के समर्थन से भी लाए गए हैं, लेकिन वे भी चीन की वीटो पावर के कारण लागू नहीं हो पाए हैं। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की राह में एक समस्या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की भी है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन बेहद जरूरी है। इसके बाद भी सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद के सभी 5 देशों के बीच सहमति जरूरी होती है। चीन हमेशा से ही भारत की सुरक्षा परिषद में मौजूदगी का विरोधी रहा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2020 में जब भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था, तब भी चीन ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 192 सदस्यों में से भारत के समर्थन में 184 वोट पड़े थे। इसमें चीन का वोट भारत के खिलाफ था। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा परिषद की 10 अस्थायी सीटों के लिए हर 2 वर्षों में चुनाव होता है। इस तरह ही सदस्य हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। भारत की नवंबर 2022 में सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही भारत के अलावा जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की कतार में हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। इसी के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही वार्षिक बैठक के दौरान कहा कि भारत का वैश्विक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत लंदन को लेकर भी कहा कि लंदन उसे अपने आकार, आर्थिक प्रभाव के साथ वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है। लेवरली ने अपनी बातों में ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये उचित है कि सुरक्षा परिषद उस दुनिया को दर्शाए जो आज है, न कि उस दुनिया को जब संयुक्त राष्ट्र बना था। गौरतलब है कि हिंद प्रशांत ब्रिटेन के हाल की राजनीतिक, सुरक्षा और विकास योजना के केंद्र में भी रहा है।